मैं हूँ सानिया जीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे उल्हास नगर में एक शराबी को शराब पीने नहीं मिला तो एस्टेट एजेंट के कार्यालय पर हमला करने की घटना सामने आई है। यहां शराब ना मिलने पर उस व्यक्ति ने एस्टेट एजेंट के कार्यालय पर आग के गोले, पत्थर, शराब की बोतल फेंक कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। ये सारी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेरी जानकारी के अनुसार उल्हासनगर पुलिस थाने की हद में एक कैंप में 29 वर्षीय प्रेम भोजराज शर्मा रहते हैं। उनका एस्टेट एजेंट का कारोबार है। अक्सर वो मयूर और सोनू नाम के दो व्यक्ति को शराब पीने के लिए पैसे देते थे। 14 दिसंबर को भी मयूर और सोनू ने प्रेम से शराब पीने के लिए पैसे मांगे और गांव जाने के लिए 5,000 रुपये मांगे तो प्रेम ने इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर उन दोनों ने धमकी देते हुए कहा कि देखता हूँ तू दुकान कैसे चलाता है। उसके दूसरे दिन ही दुकान पर पत्थर, आग के गोले और बोतलों से हमला किया गया। दफ्तर में लगी एयर कंडीशनर का कंप्रेसर भी जलकर टूट गया, जिसके बाद प्रेम भोजराज ने उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी के तहत 336, 285, 427, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया है।